हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए जीडीयू के सब्जेक्ट्स फिजिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसके प्रैक्टिकल असाइनमेंट, सिलेबस और वाइवा के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू से स्टार्ट करें। सो फिजिक्स सब्जेक्ट्स का ओवरऑल कोड है और क्रेडिट है 4, और इसका कोड है 311-0018। अगर हम थियरी मार्क की बात करें, सो जीटीयू में आपको 100 मार्क की एग्जाम देनी रहती है, और 50 मार्क की एग्जाम जो प्रैक्टिकल की है वो आपका कॉलेज ही कंडक्ट करता है। सो कुल मिला के ये आपका 150 मार्क का सब्जेक्ट्स है। सो एक तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सब्जेक्ट्स है और हाई क्रेडिट का भी सब्जेक्ट्स है। सो अगर आपको इसमें जीटीयू के अंदर अच्छे मार्क आते हैं, सो आपके ओवरऑल एसपीआई अच्छे आएंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें, सो सिलेबस के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर ही आपको दिए हैं, बट ये पांचों के पांचों काफ़ी आईएमपी चैप्टर है और थोड़े से हार्ड भी है। अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट देखिए, तो अगर आपको इसमें थियरी समझ में नहीं आई तो फिर ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी हार्ड बन जाएगा। सो इसीलिए इसको अच्छे से अच्छी तरह से समझना, और इसके लेक्चर कभी भी बंक मत करना, इसका लेक्चर पूरी अच्छी तरह से अटेंड करना। अगर हम सिलेबस की बात करें, सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, सेमीकंडक्टर्स, लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन, मेजरमेंट एंड सुपर कंडक्टिविटी। इसमें मेजरमेंट, सुपर कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, और लेंदी भी है और ये थियोरेटिकल भी ज़्यादा है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, सो प्रैक्टिकल में यहाँ पे जो मैंने आईएमपी है वही मेंशन किए हैं। इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे। अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें, सो यहाँ पे मैंने जो कोई भी प्रैक्टिकल मेंशन किया है, इसके अंदर से वाइवा में काफ़ी अच्छे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इन सारे प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले है आईवी कैरेक्टरिस्टिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है होल इफेक्ट, पीएन जंक्शन प्रैक्टिकल, एलआरसी सर्किट, लॉजिक गेट्स एंड वर्चुअल लैब्स। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म करना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बुक्स की बात करें, सो इसमें है सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फोनेटिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स। ये अच्छे से अच्छी रेफरेंस बुक यहाँ पे मैंने मेंशन की है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे सवाल किया है कि ये किस पब्लिकेशन की है। सो इसका पब्लिकेशन सिर्फ एक ही रहता है। जैसे ही आप अपनी लाइब्रेरी में जाओगे, सो आप इनमें से कोई भी बुक का, उसमें आपका कंप्यूटर में नाम एंटर करना रहेगा। सो आप इनमें से कोई भी एक बुक का नाम जैसे ही आप प्रिंट करोगे, सो आपके सामने मॉनिटर पे काफ़ी सारे अवेलेबल ऑप्शन होंगे। सो आप वहाँ से लाइब्रेरी में से भी ये बुक इश्यू कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, सो इन सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जीटीयू की वेबसाइट gtu.ac.in पे अवेलेबल है। सो आप वो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जीटीयू में हर साल काफ़ी क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। सो इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये इसमें से कितना हार्ड पेपर आता है और कितना ईजी रहता है। सो एक बार वो भी चेक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलाइए, आप वहाँ पे अपने कमेंट करके डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।